2023 के लीग में कल दो मुकाबले खेले। जिसने 5 मैचेस खेले 3 में जीत 2 में हार, नेट रन रेट है प्लस 0.192 का और टोटल पॉइंट्स है 6। नंबर 5 पे है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिसने 6 मैचेस खेले 3 में जीत 3 में हार, नेट रन रेट है माइनस 0.068 का और टोटल पॉइंट्स है 6। नंबर 6 पे है मुंबई इंडियंस, जिसने 5 मैचेस खेले 3 में जीत 2 में हार, नेट रन रेट है माइनस 0.164 का और टोटल पॉइंट्स है 6। नंबर 7 पे है पंजाब किंग्स, जिसने 6 मैचेस खेले 3 में जीत 3 में हार, नेट रन रेट है माइनस 0.298 का और टोटल पॉइंट्स है 6। नंबर 8 पे है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसने 6 मैचेस खेले 2 में जीत और 4 में हार, नेट रन रेट है प्लस 0.214 का और टोटल पॉइंट्स है 4। नंबर 9 पे है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसने 5 मैचेस खेले 2 में जीत 3 में हार, नेट रन रेट है माइनस 0.798 का और टोटल पॉइंट्स है 4। नंबर 10 पे है दिल्ली कैपिटल्स, जिसने 6 मैचेस खेले 1 में जीत और 5 में हार, नेट रन रेट है माइनस 1.183 का और टोटल पॉइंट्स है 2। अगर हम बात करें ऑरेंज कैप की तो नंबर 1 पे है फाफ डू प्लेसी 343 रनों के साथ, नंबर 2 पे है डेविड वार्नर 285 रनों के साथ, नंबर 3 पर है विराट कोहली 289 रनों के साथ, नंबर 4 पर है जॉस बटलर 244 रनों के साथ, नंबर 5 पर है वेंकटेश अय्यर 234 रनों के साथ। अगर हम बात करें पर्पल कैप की तो नंबर 1 पे मोहम्मद सिराज हैं 12 विकेटों के साथ, नंबर 2 पे है मार्क वुड 11 विकेटों के साथ, नंबर 3 पर है युजवेंद्र चहल 11 विकेटों के साथ, नंबर 4 पर है राशिद खान 11 विकेटों के साथ, नंबर 5 पर है मोहम्मद शमी 10 विकेटों के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और क्रिकेट से जुड़ी ढेर सारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।